ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पहली खबर पर नजर डालते हैं, ये खबर आगरा से है, जहां पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा के निर्देशन में चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत सहायक पुलिस आयुक्त खेरागढ़ थाना प्रभारी जगनेर एवं एंटी रोमियो टीम द्वारा थाना जगनेर क्षेत्र स्थित अग्रवाल धर्मशाला में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्राओं और महिलाओं को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण हेतु हेल्पलाइन नंबर 1090 1098 112 1930 आदि के बारे में विस्तार से जानकारी देकर जागरूक करने से संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त खेरागढ़ द्वारा जानकारी दी गई। किस प्रकार का कार्यक्रम जगनेर में आयोजित किया गया? ये पुलिस कमिश्नर महोदय आगरा के निर्देशन में डीसीपी विश साहब के नेतृत्व में ये जनसंपर्क अभियान महिलाओं के लिए किया गया था, जिस अभियान के तहत ये गोष्ठी आयोजित की गई थी अग्रवाल धर्मशाला जगनेर में। और इस गोष्ठी में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को बुलाया गया और उसमें महिला संबंधी कानूनों के बारे में उनको अवगत कराया गया, बच्चियों को के पास क्या अधिकार हैं, गुड टच, बैड टच, सेल्फ डिफेंस क्या होता है, उनको इस बारे में सूचित किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और गाइडेंस में कमिश्नरेट आगरा में एक जनसंपर्क अभियान लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के शोषण को, क्राइम को, या किसी भी तरह की कोई भी हरकत जो महिला की डिग्निटी के खिलाफ है, उसके बारे में हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम गवर्नमेंट के जो भी मेजर्स हैं उनको काउंटर करने के लिए, चाहे वो कानून के माध्यम से हो, चाहे वो काउंसलिंग के माध्यम से हो, उसको लोगों तक ले जाना चाहते हैं, ताकि एक भयमुक्त समाज का क्रिएशन हो सके, जहां पे महिलाओं को उनका ड्यू मिल सके। और यदि किसी भी बहन, किसी भी बेटी के साथ कोई भी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, तो उस पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करके ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए कि आने वाले समय में लोग इस तरह के कृत्य करने से बचें और महिलाओं को उनका सही सम्मान दिलाया जा सके। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पैम्फलेट भी बांटे हैं, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारियों के नंबर हैं। इसी तर्ज पे कमिश्नरेट आगरा में 1643 बीट बनाई गई है, जिसमें जो बीट पुलिस प्रभारी रहेगा उसका ये दायित्व होगा कि इस तरह के अभियानों को वो निरंतर चलाता रहेगा, और बीच बीच में बड़े लेवल पे भी अभियान के रूप में वो सीपी साहब और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा एक अभियान के शक्ल में चलाया जाएगा, जो आजकल चलाया जा रहा है, जिससे हम लोग भी संपर्क कर सकें और एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह जो फीडबैक मिलता है उससे प्रोग्राम को और इम्प्रूव कर सकें। किस प्रकार का कार्यक्रम जगनेर? करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर भी आगरा से है, जहां राजा दशरथ और रानी कौशल्या बने संतोष शर्मा और ललित शर्मा अपने परिवार के साथ धूमधाम से मिथिला नगरी में श्रीराम सहित चारों भाइयों की बारात ले जाने की तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें, सैकड़ों बारातियों संग श्रीराम की बारात मिथिला नगरी पहुंची है, जहां राम बारात और जानकीपुरी महोत्सव के लिए चुने गए राजा दशरथ, रानी कौशल्या और राजा जनक का अभिनंदन समारोह आज वाटर वर्क्स स्थित अतिथिवन में रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित किया गया, जहां राजा दशरथ और राजा जनक का स्वागत माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर रामलीला कमेटी में महामंत्री राजीव अग्रवाल, गौतम सेठ और अन्य उपस्थित रहे। रुकते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में कल कई घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई। बारिश से शहर, गांव, सरकारी ऑफिस हर जगह पानी भरा रहा। कई ऐसे गांव हैं जहां जल जमाव से ग्रामीण परेशान है, वहीं ग्रामीण दूषित पानी पीने को भी मजबूर है। बता दें, जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर राही विकास क्षेत्र के ग्राम सभा रोस्तमपुर गांव के लोगों से उनकी समस्या पर बात की गई तो लोगों ने कहा कि हम लोग दूषित पानी पी रहे हैं, नाली नाले तालाब सब पटे हैं और कोई जिम्मेदार सुनने को तैयार नहीं है। यही नल का पानी पीते हैं? यही नल का पानी पीते, यही मजुआ का चढ़िया रहा सब, सब बड़े बड़े सफाई कर्मी आता कौन नहीं आवत
भैया क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत हमारे बाप दादा के जमाने में ताल था, यहाँ का पानी उस ताल में जाता था। अब हो गए अंग्रेज सब यहाँ पे, यादवों का जलवा चलता है तो यहाँ पे सब ताल पटा दिया, उसमें घर बनवा दिया। अब पानी कहाँ का जाता है? पानी रुक जाता है इसी में, पानी से आओ जाओ उसको गंदा पानी पियो बम्बा का। कभी कोई शिकायत? शिकायत करते तो वहाँ सुनवाई नहीं होती है, बड़े बात रुपया जाके वहाँ भर देते हैं, चले जाते भर के। नल का पानी पीते हैं? रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर लखनऊ से है, जहां मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जन्मजात दिल की बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को समग्र और संपूर्ण इलाज मिलेगा। इसमें पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी, पेडियाट्रिक आईसीयू, नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई और पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इस एकीकृत यूनिट के संचालन वाला यह प्रदेश का सबसे पहला अस्पताल भी है। अब प्रदेश से दिल की बीमारी वाले बच्चों को लेकर परिजनों को हजारों किलोमीटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी हो चुकी है और कार्डियक सर्जरी में अब पीडियाट्रिक कुल जो है सर डिपार्टमेंट में किस किस तरीके से इसको बढ़ाया गया है और क्या क्या सुविधा है? जी, हम लोगों ने 2019 में ये डिपार्टमेंट शुरू किया, कार्डियक थोरैसिक एंड वास्कुलर सर्जरी। हमारा मोटो डे वन से यही था, एक छत के अंदर सारे पेशेंट जिनको कार्डियक सर्जरी की जरूरत होती है वो नवजात से लेके वयस्क, मतलब डे वन से लेके 100 सबको ऑपरेशन, सबको कार्डियक जो इलाज है वो एक छत के नीचे होना चाहिए। उस मुकाम में हम लोगों ने दिन दिन काम शुरू किया यहाँ पे और बहुत सक्सेसफुली करते रहा। पिछले भगत साढ़े चार साल में हम लोग लगभग 3500 के ऊपर कार्डियक सर्जरी हम लोगों ने किया, उसमें बच्चे भी है, वयस्क भी है, सब तरह का ऑपरेशन किया। लेकिन जो कार्डियक सर्जरी होती है उसमें सब स्पेशलाइजेशन होती है, जो नवजात बच्चे होती है उनके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ते हैं, उनके लिए आप ट्रेन सर्जन जरूरत होती है, ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, स्पेशलाइज्ड आईसीयू की जरूरत होती है। तो उस मुकाम में हम लोग कोशिश किया है उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक अलग से यूनिट बनाया जाए जिसमें हम लोग पूरा ध्यान दे सकते उस छोटे छोटे बच्चों के इलाज के लिए। उस मुकाम में हम लोग कार्डियो सर्जरी, कार्डियो थोरैसिक वास्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट के अंदर ही एक न्यूनेटल सर्जरी और पेडियाट्रिक सर्जरी की, हार्ट सर्जरी की शुरुआत अभी मई महीने से किया, जिसमें डॉक्टर महेंद्र नरवाले है जो काफ़ी एक्सपर्ट ट्रेन कार्डियक सर्जन है, बाहर से आया हुआ है, बाहर ट्रेन हुआ है उन्होंने इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव जो पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है ये भी बहुत ट्रेंड है। इन लोग सब मिलके, हम लोग सब मिलके जो छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं जिनका हृदय की ऑपरेशन मान लीजिए 24 घंटा के अंदर जरूरत पड़ते, वो सब चीज़ को भी हम लोग शुरू किया है और यहाँ पे सक्सेसफुली किया है। इसको ही हमें एक्सपेंशन करना है ताकि किसी भी शिशु को हृदय की सर्जरी की जरूरत पड़ती है इस प्रदेश में, इनको प्रदेश छोड़ के बाहर जाने का कोई जरूरत ना पड़े। और इनको आर्थिक सहायता का जरूरत पड़ती है तो हम लोग को यहाँ पे सीएम फंड, आयुष्मान, एनजीओ, बाकी सब कुछ है यहाँ पे। तो हमें ये प्रयास कर रहे हैं ताकि ये मैसेज आम नागरिक तक पहुँचे, ताकि उन लोग ये फैसिलिटी उपलब्ध करें। पर हम लोग यहाँ पे सर्विस देने के लिए डिटरमाइंड है, संकल्पबद्ध है ताकि सक्सेसफुली सारे बच्चों को इलाज, हृदय की सर्जरी की और हृदय की दवा की बिना सर्जरी में इंटरवेंशन सारी चीज़ हम अभी इस हॉस्पिटल में एक छत के नीचे उपलब्ध कराया गया है। और होपफुली ये प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात होगी जो यहाँ के ना छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रदेश छोड़ के बाहर जाना नहीं पड़ेगा हृदय के इलाज के लिए। करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर हापुड़ से है, जहां मजदूर आसिफ के हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने को लेकर केस की पैरवी की जाएगी। हापुड़ सिंभावली थाना क्षेत्र में 23 अगस्त की रात में मजदूर आसिफ कारपेंटर के द्वारा अपनी मजदूरी के पैसे मांगने पर दबंगों ने मजदूर को ईंटों और धारदार हथियार से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। दिल दहला देने वाली घटना को लेकर वर्ल्ड पीस हार्मनी इंडिया सैफी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी शकील सैफी, पीड़ित परिजनों का हालचाल जानने के लिए आज सिंभावली थाना क्षेत्र के हरोड़ा मोड़ मृतक आसिफ के पीड़ित परिजनों के पास पहुंचे और संतावना देते हुए हर संभव पीड़ित परिजनों की मदद करने का आश्वासन देने के साथ 1 लाख की आर्थिक मदद भी दी।
आश्वासन नहीं दिया, मैं तो कार्रवाई पे विश्वास रखता हूँ, आश्वासन पे विश्वास नहीं रखता हूँ। और मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा विश्वास है कि वो हमें इंसाफ देंगे। हमारे बच्चे के साथ जो गलत हुआ है आसिफ सैफी के साथ, हम उनके मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि जो कातिल है उन्हें सजा दी जाए और इनके परिवार के किसी बच्चे को नौकरी दी जाए और इनके परिवार में से एक आदमी को 5 करोड़ रुपए का मतलब जो है मुआवजा देना चाहिए। और साथ ही साथ जिस आदमी ने ये घिनौनी हरकत की एक बच्चे की हत्या करके, उसको फांसी दी जाए और उसके घर पर बिल्डोजर चलाया जाए जैसे और लोगों के घर पे बिल्डोजर चलाया जाता है। वो चाहे किसी भी धर्म जाति का आदमी हो, उसने गलत किया एक बच्चे के साथ, और इनके माँ बापों को जो है इंसाफ दिया जाए। और इस इंसाफ के लिए मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, मुझे लखनऊ भी जाना पड़ेगा, मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री तक भी मैं आवाज पहुंचाऊंगा। मैं ये वादा करता हूं वर्ल्ड पीस हारमनी की तरफ से, मैं हाजी शकील सैफी चेयरमैन वर्ल्ड पीस हारमनी, मुझे एक से एक जगह जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा और इस केस को लड़ूंगा और इस बच्चे को इंसाफ दिला के रहूंगा। आश्वासन नहीं दिया, मैं तो कार करते हैं अगली खबर की ओर। ये खबर गाजियाबाद से है जहां शाहिबाबाद में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरिंदे ने 16 साल की किशोरी को अपने हवस का शिकार बनाया। इस घटना के विरोध में हिंदू संगठन के लोगों ने तोड़फोड़ कर ई रिक्शा में आग लगा दिया, साथ ही जाम भी लगाया। उन्होंने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है। बता दें दुष्कर्म का आरोप एक कबाड़ी के युवक पर लग रहा है। वही पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है, साथ ही किशोरी को मेडिकल के लिए भेजा गया। बता दें तनाव को देखते हुए पुलिस को मौके पर तैनात किया गया है। थाना लिंक रोड के ब्रिज विहार चौकी क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा यह लिखित तहरीर दी गई है कि उसके नाबालिग पुत्री के साथ एक दूसरे समुदाय के कबाड़ का काम करने वाले व्यक्ति ने मारपीट कर दुष्कर्म की घटना कारित की है। उसके लिखित तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पीड़िता को चिकित्सा हेतु भिजवा दिया गया है तथा इसमें टीमों का गठन करके दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।